तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट फॉर्म लेने वाले हैं वो अपने पास है, स्पेशली जब हमारे इंटीग्रेंड में dx के नीचे एक क्वाड्रेटिक टर्म या dx के डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म bx प्लस c या रूट में क्वाड्रेटिक टर्म एंड बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये टाइप के अगर इंटीग्रेंट आते हैं तो दिस इज टाइप 4 जिसके अंदर हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग का यूज करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायरिंग कह लो या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कह लो, बड़ा सिंपल तरीका होता है। इसके अंदर हम लोग ए को कॉमन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक टर्म आ गई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ऐसे में परफेक्ट स्क्वायरिंग या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी इक्वेशन में से हम लोग डिवाइड बाय ए कह दें या कह दो टेक ए कॉमन। ठीक है, यहां पे हमें कॉमन निकालना होगा तो ए कॉमन निकाला जाएगा, ए विल बी टेकन कॉमन। तो उसके लिए हमारा ए यहां पे 2 है तो मैं यहां पे 2 कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर 3/2x प्लस ऑफ 5/2। ये पहला स्टेप करोगे। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप आप लोग याद रख लो। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो x के साथ लिखा हुआ है आप लिख दोगे x प्लस, यहां पे इस स्टेप में जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उस कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर लिख दो। यानी अगले स्टेप में 2 तो ठीक है, बनेगा क्या x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट ये रहा, इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर लिख दो। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। और हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये मैं दूसरा स्टेप इसको हाईलाइट कर देता हूं। और हम लोग तीसरे स्टेप में ये सेम वाला लिखा हुआ है, इसके पीछे जो भी हमारा कॉन्स्टेंट बचा कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, ये x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करता है। तो यहां पे होगा प्लस, अगर हमारे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a नेगेटिव है तब ये आप प्लस का लगाओगे, और अगर हमारा a पॉजिटिव हुआ तो आप लगाओगे इसके आगे माइनस का साइन। तो ये ट्रिक आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये हमारी सेकंड थर्ड स्टेप आता है। यानी मेरे पास यहां पे ऑलरेडी 5/2 तो दिया है तो मैं इस 3/4 का होल स्क्वायर पीछे क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि हमारे इस एक्स स्क्वायर के आगे एक पॉजिटिव टर्म थी, तो माइनस ऑफ 9/16। तो जिससे हमारा ये 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 16 का एलसीएम उठा लिया मैंने, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 × 5 = 40 − 9। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, अगर परफेक्ट स्क्वायर बना तो ठीक, नहीं तो रूट का स्क्वायर कर देना। जैसे ये हो जाएगा 40 में से 9 गए 31 आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे √31 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वैसे ये भी होल स्क्वायर है तो अभी मैं इसको हाल फिलहाल पूरा का पूरा ब्रैकेट में 4 लिख देता हूँ और प्लस का साइन आ जाएगा। तो अपने पास ये हमारे पढ़े गए, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन के पहले ही आप लोग को सारे फॉर्मूले बता दिए थे, ठीक है, वो फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। और कौन कौन से फॉर्मूले हैं याद करा देता हूँ, वो है जो हमारे ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अभी बिना रूट के मैं बता रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको अप्लाई करना होगा, और या यही स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बट रूट के साथ, यानी ये हम लोगों ने ऐसे भी पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला मैं लास्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहली वीडियोज़ के अंदर, तो ये फॉर्मूला आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो इनके अंदर। डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो दिस इज़ हाउ हम लोग
एक परफेक्ट स्कोरिंग करते हैं। एक क्वेश्चन का ट्राई करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेट्स इंटीग्रेट डीएक्स, और इस बारी मैं रूट के अंदर कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अभी एक प्लस की टर्म ही लेते हैं, तो लेट अस टेक एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 6। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगर आप चाहते हो इसके आगे कॉन्स्टेंट्स भी लगा सकते हो। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर फ्री है, तो हमारा पहला स्टेप हट गया। पहला स्टेप हटते ही हम लोग x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा dx अपॉन रूट में x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर करना है। माइनस एक्स ऑलरेडी है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है कि प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस किया जाएगा 25/4। तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा सिंपल फॉर्मेट में, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 24 एंड 25 बन गया 49, 49 यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर। तो आपको मैच करना है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी इस फॉर्मूले पर एप्लीकेबल होगा। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ रखा है, वो होता है लॉग ऑफ एक्स देन प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 7/2 का होल स्क्वायर। अपने आंसर को यहीं तक छोड़ देना और डायरेक्टली इतना ही आंसर लिख के इसको और आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक और लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो इसी फॉर्मेट का है, रूट लगा हुआ है और अंदर मैंने 2 फैक्टर दिए। अब आप ये चेक करो, अपने पास ये जो टर्म है हम लोग को इससे ज़रूरत नहीं है, हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म पे पहुंचना ही पड़ेगा। अगर आप इसको चेक करो, ये टर्म बन जाएगी सबसे पहले -12, दूसरी बात ये हो जाएगी +4 यानी कि 7x और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, दिस इज 3x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 3 7, ये अपने पास टर्म आ गए। अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसके माइनस को कॉमन मत निकालना, माइनस को माइनस की जगह रहने देंगे। कांस्टेंट को छोड़ के आप लोग क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे -12 छोड़ दे रहा हूँ, बाकी माइनस में कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया ये। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, तो एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, तो मेरे को इसको 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। अब मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dx, 12 की चिंता ना करें, -12 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस है, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने माइनस का साइन है, तो इसका होल स्क्वायर अब ऐड होगा 49/4, ये बन जाएगा 12 × 4 48, 48 माइनस हो गया, ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा रूट में 28 यानी 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान ये रखना है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस का है तो जो आप होल स्क्वायर बाहर लिखते हो वो ऐड होगा। इससे हमारा रिजल्ट बन गया 1/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से मैच करता है, जिसका रिजल्ट होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स माइनस 7/2 डिवाइडेड बाई 1/2। आप अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 7 प्लस सी। सो दिस इज टाइप 1, जिसके अंदर हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं। इसका सेकंड लेवल जो बनता है वो है, आप यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ देखोगे, px plus q, यानी एक लीनियर टर्म। तो ये लीनियर टर्म का होना ज़रूरी है, अगर नहीं है फिर तो पिछली वाली फॉर्म है, परफेक्ट स्क्वायरिंग करो और आंसर सॉल्व कर लो। और अगर ये है तो अपने पास 2 मेथड हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस px plus q को कुछ ऐसा मॉडिफाई कीजिए कि क्वाड्रेटिक टर्म का डेरिवेटिव बन जाए, साथ में कांस्टेंट आ जाए
और एक कांस्टेंट अलग रहेगा। ये मोटो यही है जिसके बारे में टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। आप इसको लिख दें a इंटू यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस बी और फिर यहाँ हो जाएगा b। फिर हम लोग कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वो मेथड रहता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं एक सरल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पास यहाँ लिखा है 3x प्लस 1 और नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x, ये हो गया माइनस ऑफ 10। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो हम लोग अगर मेथड 1 से चलें तो हमारे पास क्या है, इजी मेथड होता है कि आप सबसे पहले लिखेंगे कि हमारी जो लीनियर टर्म है यानी कि 3x प्लस 1 को कैसे लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, यानी बन जाएगा 2x माइनस 3 और एक b अलग होगा, ये हो जाएगा 2ax माइनस 3a एंड प्लस b, और यहाँ है 3x प्लस 1। अब x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, तो अगर मैं x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँगा तो 2a की जगह 3 है, a की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। और फिर आप कांस्टेंट को कंपेयर करो, वो लिखा है माइनस 3a प्लस b जिसकी वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3a, a की वैल्यू 3/2 हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 9 2 11/2, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a यानी कि 3/2 और 2x माइनस 3 और b यानी 11/2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 dx। अब आप ये देखोगे इसका डेरिवेटिव था, तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तुम ये इसको लिख सकते हो, आप लोग जो इसको लिख पाओगे, अभी हाल फिलहाल तो मैं लिख दूंगा, यहाँ पे है 2x माइनस ऑफ 3 अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और साथ में इधर है 11/2 dx अपॉन, ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायरिंग वाला क्वेश्चन है, माइनस 3x माइनस ऑफ 10, क्लियर। ये सब्स्टिट्यूशन में बदल जाएगा और हम इसको लिख पाएंगे dt/t, सिंपल वर्जन में चला गया। उसको परफेक्ट स्क्वायरिंग में ब्रेक कर दीजिए, 11/2 dx, ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9/2 9/4 यानी कि माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि 40 और 9 49 7 का स्क्वायर होता है। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमारा रिजल्ट जो आएगा, आई थिंक ये फ्रेम में तो है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3/2 साथ में लॉग टी, टी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और इसका आंसर हो जाएगा 11/2 और ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/2a यानी कि 7/2 लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, पर सिर्फ फर्क ये है कि ये सारा का सारा रिजल्ट सेम है। ये जो हम लोगों ने किया है इसकी जगह एक सिंगल स्टेप भी किया जा सकता है। सिंगल स्टेप क्या है, ध्यान से देखो, बड़ा मज़ेदार है पर टाइम बचाएगा हमारा। वो क्या है, वो हो जाएगा, हमें चाहिए डेरिवेटिव जो है 2x माइनस 3। तो देखिए क्या करना है, 3 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 1/3 बना, न्यूमिरेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव को दिमाग में रखेंगे 2x माइनस 3, इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। अब यहां 2 लाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड, अंदर से बाहर डिवाइड, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया। अब मेरे को चाहिए माइनस 3, तो मैं यहां पे ये जो प्लस की टर्म लिखी हुई थी यहां हो जाएगा माइनस का 3, बैलेंस किया प्लस 3। अब अपना रिजल्ट क्या हो गया चेक करो, ये आ गया 3/2 साथ में 2x माइनस 3, इसको मेंटली सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2+9 यानी 11/3, 11/3 मल्टीप्लाई करेगा 3/2 से 11/2 आएगा। सिंगल स्टेप में यहां तक पहुंच गया।
तो ये शॉर्ट ट्रिक है जहां हम लोग ए और बी में निकालने में टाइम लगा रहे थे, सिंगल स्टेप में आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हो। ये किताब में नहीं दे रखा है, ये एक्सक्लूसिवली मेरी क्लास में मिला है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें एंड गो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन वी आर हैविंग, इसके साथ और भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं जो मैं अगली क्लास में लूँगा। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।